हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमी लेवल पे भी। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में मैथमेटिकल फिजिक्स आया है, तब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है इस फर्स्ट ईयर वाले सेमेस्टर में भी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जो बड़ा ही आसान सा है। इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर बी, देन प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये है क्वेश्चन जिसमें हमें ये शो करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के, जिसमें ये चीज़ें गिवन है। तो सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको पता होगा। जैसे अगर हमें किसी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना है तो हमें ये दिखाना होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर वेक्टर बी है, तो इसको परपेंडिकुलर शो करना मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर यही करेंगे, चूँकि ये ए प्लस बी है तो ये भी एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है और ये भी एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। सपोज दिस इज इक्वल टू सी एंड दिस इज इक्वल टू डी, तो सी डॉट डी इक्वल ज़ीरो होना चाहिए, सी डॉट डी इक्वल ज़ीरो होना चाहिए। तो देखते हैं जिसमें हमें बीच में इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो गिवन है, गिवन मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इंटू ए, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इक्वल टू बी इंटू बी। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं इस वेक्टर को, तो कंसिडर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसका जब हम लोग डॉट करेंगे तो ए डॉट ए 1/1 मल्टीप्लाई, तो डॉट हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग डॉट करेंगे, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। तो माइनस ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो जैसा कि ये गिवन कंडीशन है, इसके हिसाब से हम लोग इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, दोनों सेम है, इक्वल हो गया। और हम लोग जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, ये दोनों वैल्यू भी ज़ीरो कट जाएगी, तो ज़ीरो यानी ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस विल प्रूव दैट द ए प्लस बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था ये, आगे हम थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। तो अगर ये गिवन कंडीशन है तो ये हमें शो करना था, और हमेशा याद रखिए परपेंडिकुलर शो करना मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द वेक्टर्स वेक्टर्स वेक्टर ए इक्वल 3i माइनस 2j प्लस k, वेक्टर बी इक्वल i माइनस 3j प्लस 5k एंड वेक्टर सी इक्वल 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। तो ये तीनों वेक्टर दिया हुआ है,
फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमें ये शो करना है कि ये तीनों वेक्टर फॉर्म करते हैं फॉर्म्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर्म्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो तीनों वेक्टर हैं वो फॉर्म करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको हमें शो करना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, पहले दिखाएंगे कि ये तीनों आपस में एक ट्रायंगल को शो कर रहे हैं। तो ट्रायंगल रूल में हमने पूरा रूल पढ़ा है ट्रायंगल रूल के तहत कि कोई भी वेक्टर ए है अगर, कोई दूसरा वेक्टर अगर बी है, तो इसके रिजल्टेंट टाइप से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। और यहाँ रिजल्टेंट हम लोग आर लिखते थे, यहाँ चाहें तो हम लोग सी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को दिखा पाएँ कि वेक्टर सी इज़ इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कोई भी दो वेक्टर का सम अगर तीसरे वेक्टर के बराबर है, तो कम से कम ट्रायंगल रूल का पालन तो कर ही रहा है, तो इतना तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल है। उसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट करके चेक कर लेंगे कि कोई इसमें राइट एंगल है कि नहीं। और डॉट प्रोडक्ट करने का यही है, डॉट प्रोडक्ट इसीलिए करेंगे जिससे अगर हमें पता चल जाएगा कि अगर ए डॉट बी की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है तो हमें समझ में आएगा कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, या बी डॉट सी चेक कर लेंगे अगर ये ज़ीरो आता है तो पता चल जाएगा कि कोई भी एक एंगल अगर राइट एंगल हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिलेगा। तो अगर किसी तीन साइड को या तीन वेक्टर को हमें राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर वो ज़ीरो आता है तो हमें डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो दो चीज़ हमें दिखानी है, एक तो ट्रायंगल रूल की तरह ये दिखाना कि वो ट्रायंगल है, फिर जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है ये दिखाना है। इसको तो दिखाते हैं, सबसे पहले बी और सी को ऐड कर लेते हैं। ये हमें अपने से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसी भी दो को सम करने पे तीसरा आना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल का पालन कर रहा है ट्रायंगल रूल का। तो टू और वन थ्री आई, वो क्वेश्चन देख के क्लियर हो जाएगा कि इन दो को हमें सम करना है तो तीसरा हमें मिल सकता है। तो टू आई माइनस टू जे, और यहाँ पे क्या है फाइव और माइनस वन यानी प्लस के, और ये किसके बराबर आ रहा है वेक्टर ए के ही बराबर है, यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए, ये शो कर रहा है। दिस शोज दैट द वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर ट्रायंगल आर डिनोटेड एज ट्रायंगल या आर फॉर्म्ड एज ट्रायंगल फॉर्म्ड एज ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल है कि नहीं तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा हर एक वेक्टर के साथ। तो नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से कर सकते हैं, या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसमें से किसी भी एक का वैल्यू ज़ीरो आया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो दोनों वेक्टर आपस में राइट एंगल पे हैं, और ट्रायंगल तो पहले से ही है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ए डॉट बी सी आई माइनस टू जे प्लस के, एंड बी ए आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के, वेक्टर बी इज आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप, एंड सी कैप इज टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस फोर कैप। इसको सॉल्व करेंगे, थ्री आई डॉट आई इज वन सो थ्री माइनस जे डॉट जे प्लस सिक्स एंड देन प्लस फाइव, सो दिस इज फोर्टीन एंड आई डॉट आई टू जे डॉट जे माइनस थ्री एंड देन प्लस माइनस ट्वेंटी and this will become 23 and 19.
टू माइनस सिक्स नहीं माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी 23, so this will be 21. Vector C is 2i plus j minus 4k and the vector A is 3i minus 2j plus k. 3i minus 2j plus k. So 3, 2 is 6 plus minus 2 j dot j. And k minus 4, this will be 0. So a dot c, yes, c dot a is equal to 0, and this means that c and a is perpendicular to each other. So this term shows that vector c is perpendicular to vector a. सो इन तीनों वेक्टर में से एक कंफर्म हो गया कि वेक्टर सी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के. और उससे पहले हम लोग शो कर चुके हैं कि ये एक ट्रायंगल है और उसमें से जो दो वेक्टर हैं वो आपस में राइट एंगल पे हैं. इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों वेक्टर गिवन है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल. यही हमें शो करना था. ध्यान रहे हमें इन दोनों में से किसी का सम करके तीसरा वाला लाना है. पहली चीज़ ट्रायंगल होने के लिए, कोई भी ट्रायंगल अगर हमें प्रूव करना है तो हमें ये दिखाना होगा किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए. वेक्टर सम याद रहे, वेक्टर सम दो वेक्टरों का सम तीसरे वेक्टर के बराबर होगा. तो वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी इक्वल टू थर्ड वेक्टर तो किसी भी दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर होना चाहिए, तब वो फॉर्म करेगा एक ट्रायंगल को. उसके बाद हमें अगर राइट एंगल सम करना है तो ए डॉट बी, बी डॉट सी या सी डॉट ए किसी को भी दिखा सकते हैं. इसमें से कोई ना कोई टर्म ज़ीरो आना चाहिए. तो ये था एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो इसको यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं ए और सी आपस में परपेंडिकुलर हैं, या ऑर्थोगोनल कभी कभी आता है शो करने को, तो ऑर्थोगोनलिटी भी दिखा सकते हैं. इसके बाद एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है हर जगह. द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम साथ साथ लिख सकते हैं. डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर्स 3i प्लस j प्लस 2k एंड i माइनस 3j प्लस 4k एंड i माइनस 3j प्लस 4k. तो कोई पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. सो दीज टू आर डायगोनल्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम और हमें निकालना है इनका एरिया. गिवन मान लेते हैं जो ये डायगोनल गिवन है, सपोज कर लो एक पैरेललोग्राम इस तरीके से है. इसके दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग एज अ वेक्टर मान सकते हैं. सपोज वेक्टर P, ये एक डायगोनल हो गया वेक्टर P एंड देन दूसरा डायगोनल वेक्टर Q. सो P इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k एंड Q इक्वल
आई माइनस थ्री जी प्लस फोर के, सो दीज आर टू डायगोनल्स पी एंड क्यू। हमें फाइंड आउट करना है इसका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमें ये पता है कि ये दोनों साइड आपस में पैरेललोग्राम और इक्वल होती है, पैरेलल होती है और इक्वल, और ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल, और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है वो 90 डिग्री का होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो अगर हमें एरिया फाइंड करनी है तो हम चाहें तो इस एक ट्रायंगल को फाइंड करके फोर टाइम्स कर सकते हैं उसका, यानी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू फोर टाइम्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ डी, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ओ डी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी। सो फोर इंटू हाफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा, सो दिस इज बेस एंड हाइट, तो हाफ इंटू ओ डी, इसको वेक्टर यूज कर सकते हैं, वेक्टर ओ डी एंड देन ओ सी। और ये हमें ये भी पता है कि पैरेललोग्राम में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो समान पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये वाला जो वेक्टर है वो इसके बराबर होगा, लेंथ वाइज बराबर होगा, यानी OD इक्वल OB इन पैरेललोग्राम, OD इक्वल AB, यानी जो पूरा ये वेक्टर है वो हमें पता है वेक्टर Q, सिंस वेक्टर Q। तो अगर हमें OD फाइंड करना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ Q, क्योंकि जो Q है वो पूरा वेक्टर है और ये वाला उसका हाफ, सो हाफ ऑफ Q इसका हाफ, यानी ये हो जाएगा हाफ I कैप माइनस 3j प्लस 4k कैप। सिमिलरली इस वेक्टर का हाफ करेंगे तो हमें OC मिल जाएगा, सो एंड OC इक्वल हाफ ऑफ P इसका हाफ, सो दिस विल बी हाफ 3i प्लस j प्लस 2k। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे OD और OC के साथ क्रॉस कर लेना है, और क्रॉस जो हम करेंगे वो अपने पुराने मेथड से करेंगे, जो चाहे डिटर्मिनेंट से करें या फिर वेक्टर एलजेब्रा के थ्रू i क्रॉस i j क्रॉस k इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी ये थी कि हमें एक पैरेललोग्राम पता था जिसके डायगोनल्स थे ये, इसको हमने सपोज कर लिया P और ये वाला हो गया Q, सो P एंड Q, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम चार पार्ट में डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो अगर किसी भी एक पार्ट्स का हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए तो उसका फोर टाइम्स करेंगे, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा फोर हाफ, और एरिया ऑफ डी ओ सी हो जाएगा हाफ ओ डी इंटू ओ सी, ओ डी ओ सी हम फाइंड कर रहे थे तो इतना आया हाफ और हाफ। अब इसकी को यहाँ हम लोग पुट करेंगे, हमें पूरा मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल सो टू टाइम्स ओ डी क्रॉस ओ सी, और ओ डी में भी हाफ है, यहाँ पे ओ डी में भी हाफ, सो दिस इज हाफ एंड हाफ, तो इसको लिख सकते हैं आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के क्रॉस हाफ और 3i प्लस j प्लस 2k, 3i प्लस j प्लस 2k, 3i प्लस j प्लस 2k, i माइनस 3j प्लस 4k, 2 से 2 कैंसिल हाफ, और यहाँ हमें मिल रहा है दो वेक्टरों का क्रॉस,
इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, आई जे के वन माइनस थ्री फोर थ्री वन और टू, थ्री वन और टू। तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, आई कैप माइनस सिक्स माइनस फोर एंड देन माइनस जे इवन प्लस जे, सो फोर थ्री जो ट्वेल्व माइनस टू प्लस के, सो वन माइनस नाइन यानी टेन, सो ये आएगा हाफ माइनस टेन आई प्लस टेन जे प्लस टेन के। नाइन टू टेन माइनस टेन, सो दिस विल बी माइनस फाइव आई प्लस फाइव जे प्लस फाइव के। तो इसी का हम लोग मॉड निकाल सकते हैं और वो हमारा एरिया होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो ये होगा अंडर रूट माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर एंड देन फाइव का स्क्वायर, सेवेंटी फाइव। और इसको अगर हम लोग बाहर करेंगे तो फाइव अंडर रूट थ्री, फाइव अंडर रूट थ्री स्क्वायर यूनिट्स, इसका यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट। चाहें तो रूट थ्री की वैल्यू भी रख सकते हैं, 1.73, 1.73, सो इसकी वैल्यू मिलेगी देन 8.66, 8.66 लगभग स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है प्रूव दैट द वेक्टर्स टू आई माइनस जे प्लस की, 2i माइनस जे प्लस के, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के एंड 3i माइनस फोर जे प्लस फाइव के, 3i माइनस फोर जे प्लस फाइव के आर कोप्लेनर, आर को प्लेनर। तो हमें ये शो करना है, ये गिवन वेक्टर्स आर को प्लेनर वेक्टर। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कोप्लेनर की कंडीशन क्या है, किसी भी तीन वेक्टर को प्लेनर मीन सेम प्लेन में होने की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन इसका ये है, किसी भी तीन वेक्टर के पैरेलल कोप्लेनर होने की, वो है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ज़ीरो, या इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं बी डॉट
सी क्रॉस ए इक्वल टू ज़ीरो या सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल ज़ीरो। तो किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम लोग दिखा सकते हैं कि ये कोप्लेनर है। तो हम लोग पहला ही ले लेंगे, ए डॉट करेंगे बी क्रॉस सी के साथ, अगर ज़ीरो आता है, जैसे सपोज कर लेंगे दिस इज़ वेक्टर ए, वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, देन वेक्टर बी इक्वल आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो वेक्टर सी होगा थ्री आई माइनस फोर जे प्लस फाइव के। तो सबसे पहले बी क्रॉस सी करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से जो डिटर्मिनेंट वाला प्रोसेस है उसके साथ, उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी उसके साथ हम लोग डॉट करेंगे, डॉट करेंगे तो वो ज़ीरो आना चाहिए। या एक और तरीका भी है इसका, डायरेक्ट अगर करना चाहें तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड एंड सी एक्स सी वाई सी जेड इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, इसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। उसी तरीके से बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप या सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप एंड सी जेड के कैप। तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है, चाहे इसको ज़ीरो दिखाएं या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो रिवीजन कर रहे हों, तो बेहतर तरीके से जल्दी से कर पाएंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका डेरिवेशन तो बहुत बड़ा है, इसको हम लोग बाद में डील कर लेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन की बारी है, तो हम सिर्फ इसका फार्मूला लिखते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, तो दो वेक्टरों के लिए तो पता है ए क्रॉस बी, दो वेक्टर, अगर तीन वेक्टर हों तो हम लोग प्रोडक्ट दो तरीके से कह सकते हैं, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तब होता है जब दो वेक्टर का साथ क्रॉस करें और तीसरा उसके साथ डॉट करें, तो इसको बोलते हैं स्केलर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, सेम स्केलर एंड बी डॉट सी क्रॉस सी इज आल्सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अगर यहीं पे हम यहाँ क्रॉस यूज़ करें तो इसको बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल। तो क्रॉस अगर अप्लाई करेंगे यहाँ तो इसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे, डॉट के साथ स्केलर। तो जो दूसरा मेथड है उसमें हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसे बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें इसी को करना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये बराबर होता है, अगर हम लोग लिखें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, सो दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, एंड सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा बी के साथ, सो यहाँ डॉट नहीं लगाते हैं, ए डॉट सी सिंपल मल्टीप्लिकेशन बी एंड देन माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड सिंपल मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो ये फॉर्मूला है जिसको डिराइव किया जा सकता है, फिलहाल के लिए बाद में होगा, अभी के लिए इसको फॉर्मूले जैसा रखेंगे। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दो वेक्टर का स्केलर, ये भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, सो दिस रिप्रेजेंट द डॉट प्रोडक्ट
ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज सेम, दिस टर्म रिप्रेजेंट दिस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं जो काफ़ी कॉमन है हर एग्ज़ाम में. प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस ए एंड देन प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी. सो दिस इक्वल टू ज़ीरो. तो साइक्लिक है एक तरह से. ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी इक्वल टू ज़ीरो. यानी कोई भी तीन वेक्टर हो, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, उनका साइक्लिक सम करेंगे तो वो ऑलवेज ज़ीरो के बराबर होगा. तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसी मेथड से कर सकते हैं. अगर हमें फार्मूला याद है तो पहले इसका एक्सपेंशन लिखेंगे इस तरह से, देन इसका एक्सपेंशन उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं. ए की जगह बी है, बी के प्लस पर सी है और सी की जगह ए है. तो तीनों का एक्सपेंशन हम लोग इसी तरीके से करके फिर तीनों को ऐड करेंगे, अपने आप ज़ीरो आ जाएगा. सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. एक इसमें प्लस टर्म आ रहा है, एक माइनस टर्म आ रहा है, तो वो हर टर्म यहाँ पे प्लस होने से वो सारा कैंसिल होता जाएगा. सो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तीनों का केवल एक्सपेंशन कर लेना है तीनों पार्ट का, और जब हम सम करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा. इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के कैप इक्वल टू, ये है टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए. ये हमें प्रूफ करना था. पहले हम लोग वन बाई वन एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे. आई कैप क्रॉस ए वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस आई कैप. तो कंसिडर I cap cross vector A और I cap. तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे A cap. सो A vector, vector A. तो इसको लिख सकते हैं vector A को AXI plus AY J cap plus AZ K कैप क्रॉस आई कैप. फर्स्ट टर्म को हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं. तो वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के क्रॉस है आई कैप के साथ. और हमें ये पता है कि आई का आई के साथ क्रॉस ज़ीरो होता है. ये जनरल रूल से हमें पता है आई का आई के क्रॉस के साथ ज़ीरो होता है. हाँ, एक तरीका और है इसको अगर करने का, यहाँ से भी कर सकते हैं तो फिर इसे हमें डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करना होगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट इस मेथड को यूज़ करें. यहाँ हो गया आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप, तो ये ज़्यादा अच्छा है. सो इसको एक्सपेंड करेंगे इसी मेथड के ऊपर, इसी फॉर्मूले से. तो आई कैप डॉट आई कैप, फर्स्ट ए डॉट सी यानी दिस डॉट बाई दिस. सो आई डॉट के एंड देन सिंपल मल्टीप्लाई है यहाँ पे वेक्टर ए के साथ
देन माइनस ए डॉट बी, सो आई आई कैप डॉट वेक्टर ए, और बाहर में है सी और हमारे यहाँ है आई आई, तो यहाँ लिख लेंगे यूजिंग वेक्टर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऐसा लिख सकते हैं अब i डॉट i होता है वेक्टर ए, i डॉट i वन वेक्टर ए माइनस i कैप और डॉट अगर भी वेक्टर ए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, i कैप डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए मीन्स ए एक्स कैप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इधर आई, तो यहाँ सिर्फ आई का आई के साथ डॉट होगा, बाकी सारा ज़ीरो, सो हमें मिलेगा ए एक्स, ओनली ए एक्स, इस ब्रैकेट से केवल मिलेगा ए एक्स आई डॉट आई वन, और बाहर से बचेगा ए एक्स आई, यानी इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस ए एक्स, ये हो गया आई कैप माइनस आई कैप ए एक्स आई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप, वेक्टर ए इक्वल टू दिस, यानी आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस ए एक्स आई कैप। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इसको j के लिए भी और उसी तरीके से k के लिए भी, सिमिलरली j क्रॉस ये होगा इसी तरीके से वेक्टर a माइनस ए वाई जे कैप, ए वाई जे के साथ जे कैप के साथ डॉट होगा तो ए वाई मिलेगा इसमें और जे कैप, और उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं के कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के कैप इक्वल वेक्टर ए माइनस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप, एंड देन फिर तीनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे इसको और इसको, तो हमें मिलेगा ए ए ए यानी 3a, तो सम ऑफ ऑल दिस टर्म क्या मिलेगा हमें, वेक्टर 3 वेक्टर ए, वेक्टर ए वेक्टर ए एंड वेक्टर ए 3 वेक्टर ए एंड माइनस कॉमन कर लेते हैं ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो ये हमें मिलेगा वेक्टर 3a माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 2a, वेक्टर 2a, और यही हमें शो करना था, इसी को हमें प्रूफ करना था, तो i है यहाँ j और इधर k, फाइनली मिलेगा 2 वेक्टर ए, तो ये था। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू, कुछ और इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, तो थ्योरी हमने डिस्कस नहीं किया, ये जनरल सी थ्योरी है जो इंटर से रिलेटेड है और उसके आगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी, तो थ्योरेटिकल पार्ट अगर कर चुके होंगे तो ही ये हेल्पफुल है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बाद में होंगे, फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल नाउ, थैंक यू।